कुछ खा रहा है क्या? मुझे भी खिलाना। लंडे खा ले मेरा। बड़ा आया मुझे बोलने वाला। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप सभी काफी अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो डार्क कॉमेडी। तो हमारे चैनल पर नया आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये सेजल भाई डार्क कॉमेडी के नाम पे भाई कुछ भी बकचोदी फैल देती है भाई, कुछ भी जिसे कहते हैं ना कुछ भी। दोस्तों ये लड़की ने इंस्टाग्राम पर काफी गंदगी मचा रखी है गाइस, तो आज थोड़ी गंदगी साफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक पीड़ी, ये क्या है? पीनट बटर। तो गाइस ये देखो, ये इसके हिसाब से डार्क कॉमेडी। भाई बर्गर पर सेवन पीनट बटर लगा दिया, जो कि पीनट बटर है भी नहीं, और ऊपर से पीरियड का ब्रेड भी लगा दिया। वाह भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर कल के दिन इसके घर पर खाना नहीं होता तो ये अपना पिछवाड़ा ही काट के खा जाएगी, और पानी नहीं होगा तो खुद का ही मुंह पी जाएगी। अबे साले मैं यहाँ बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। सच कभी मेरे इतने सामने कभी शाहरुख खान सर निकले यहाँ बाथरूम से। एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। फिर मैंने उसके बाद भाई ये क्या बात हुई बेंचोद, माना ऐसा रही तुम बहुत बड़े फैन हो, वो वहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं तो तुम टॉयलेट जाके चाट लोगे भाई, कुछ भी मतलब। हाँ तो वैसे भी टॉयलेट चाटने तो शाहरुख खान के स्पर्म थोड़े मिलेंगे जो तुम टॉयलेट चाट रहे हो वहाँ पर। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पीरियड में लीकेज प्रॉब्लम, यूज योर बॉयफ्रेंड्स माउथ। बॉयफ्रेंड का माउथ? भाई पेट बनाने वाली कंपनी मुजरा कर रही है क्या भाई? गंदे से गंदा कपड़ा यूज कर सकती थी, पर लेकिन भेंचोद को अपने बॉयफ्रेंड का माउथ यूज करना है। गाइस अगर किसी दिन इस लड़की का लीक होने वाला हो तो ये तो उससे पहले अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पे अपना पिछवाड़ा चिपका देगी। भेंचोद मुझे ऐसे लग रहा है, और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी भेंचोद की क्या मजबूरी है भाई? कोई कितना ही मजबूर होगा यार ऐसी हरकतें करने के लिए। भाई जी तेरी फैमिली को किडनैप कर रखा है या तेरी बीवी बच्चे को परेशान करती है? अगर तेरी जगह मैं होता ना, ऐसे बकचोदी करने से पहले भाई मरना पसंद करता, और मरने के बाद भी भाई हमारी बॉडी का ये हाल करती है, देख लो एक बार। आज मेरे घर में एक चूहा मरा पड़ा मिला, वो दिखने में बहुत ही क्यूट और सेक्सी था, तो फिर मैंने उसके साथ। अबे भेंचोद भाई तुम खुद सोचो भाई, मोस्टली ड्रामा कुछ ही हो सकता है क्या? अरे भाई तुमने भी देखा ना चूहे के साथ क्या हुआ भाई, जिंदगी में कैसी बकचोदी करो लेकिन इसके लेवल पर कभी मत जाओ। ये भगवान क्या जुलुम है भाई, जिंदगी में सब कुछ जरूरी है, बकचोदी भी जरूरी है, लेकिन जो सीमा के अंदर हो ना वो बहुत सही है। हेलो सीमा, कहाँ पर हो तुम? अबे साले आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं मेरा ब्रेकअप हो गया, मैंने उसको बहुत रोने की कोशिश की, मैंने उसको वो भी बोला कि मैं तेरा वो खा लूंगी, क्या बोलते उसको, गू। भाई एक यही तो होता है लड़की के पास लड़कों को ऑफर करने के लिए कि मैं तुम्हारा गू खा लूंगी। भाई अब गुजर रिलेशनशिप का क्या ही लेना देना है भाई, भाई सबका अलग ही स्वाद होता है भाई, वो खाओ भाई। मैं क्या ही बोलूं भाई, क्या ही बोलूं मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं भाई। दोनों बकचोद क्या लगे हुए हैं भाई, इसका गू खा रही है और इसका पीरियड ब्लड पी रहा है। और भाई मैं बता रहा हूँ भाई, इन दोनों के बीच वस्तुओं और अंगों को लेकर जो प्रेम है ना, तो उसे डार्क कॉमेडी में अखंड चूतियापा कहते हैं। बाथरूम में हगने के बाद पानी नहीं आ रहा, क्या करूं? एक काम करो, अपने गांड को ऐसे मोड़ के गांड के पास लेके जाओ और जोर से पेशाब कर दो। What? कि इस दिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे सबसे बड़ी सेल आ रही है। भाई जिसको स्पॉन्सर मिला है वो फ्लिपकार्ट से। भाई मैं जानना चाहता हूँ वो गांड इंसान कौन है जिसने इसको ऐसा स्पॉन्सर दिया। तो गाइस ऐसे अपना पिछवाड़ा कौन धोता है? तो गाइस मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पर लेकिन इसके हरकतों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। कल मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला सीट ऑन माय फेस, मुझे लगा कोई गलत चीज है तो मैंने मना कर दिया। फिर आज सुबह उठते ही मुझे बहुत जोर से टट्टी लगी, तो मैं चली गई टॉयलेट करने। जैसे ही मैं टॉयलेट में गई मैंने देखा मेरे बॉयफ्रेंड ने। भाई एक दूसरे की टट्टी खाने के अलावा इन दोनों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? और पूरे ब्रह्मांड में इनकी वीडियो देखने वाले भाई, आपको वीडियो इनकी फनी लगती है क्या? और हाँ तुम आपको कुछ कहना चाहता हूँ, चूतिया हो क्या जो जैसे वीडियो देखते हो? उसको भुलाने के लिए मैंने बोतल का सहारा लिया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ भाई? अंदर बोतल ही तोड़ी। अरे करो करो करो, सभी जिंदा मुर्दा हर वस्तु के साथ तुम ये चीजें करो। हाँ तो बोतल में जो नशीला पदार्थ होता है ना उसे पिया जाता है ना कि डाला जाता, और बेंचो तुझे पता था बोतल कांच की है तो तूने डाली क्यों? मेरे साथ अन्याय हुआ। हाँ तो इसका ये तो काम है, बोतल मिली अंदर डाल ली, चूहा मिला अंदर डाल लिया, और अगर बाय चांस इसको बैंगन मिल गया फिर तो समझ रहे हो? समझ रहा हूँ भाई, जिसका बाकी में लेने चाहिए उसकी मुंह पे हकती रहती है और बाकी सब चीजें अपने अंदर ले लेते हैं। भाई इसको तो कहती है काली हाथ से वरस सेल्स डार्क कॉमेडी। हाँ तो गाइस इसका चूतियापा कभी खत्म नहीं होने वाला, तो हम अपना चूतियापा यही खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।